तो दोस्तों, इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन तक भारतीय टीम ने 287 पे 4 विकेट के नुकसान पर पारी को डिक्लेयर कर दिया गया। जब सेकंड पारी में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल की तरफ से 119 रन की पारी देखने को मिली। इसके अलावा ऋषभ पंत की तरफ से 109 रन की पारी देखने को मिली। जब बांग्लादेश की तरफ से सेकेंड इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट मेहदी हसन ने 2 विकेट लिया, तो बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया। वह तीसरे दिन की समाप्ति तक बांग्लादेश की टीम 158 पे 4 विकेट गिर चुके। जब बांग्लादेश की तरफ से नजमुल सांटो ने 51 रन की पारी खेली। इसके अलावा जाकिर ने 33 रन की पारी खेली। इसके बाद सादमा ने 35 रन की पारी देखने को मिली। जब भारत की तरफ से इस इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट लिया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की तरफ से 1 विकेट देखने को मिला। बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 357 रन की और जरूरत है।